नमस्कार साथियों, मध्य प्रदेश प्रमोशन से एक बड़ी खबर निकल करके आ रही, जहां मध्य प्रदेश के कर्मचारी लंबे समय से कर रहे हैं प्रमोशन की मांग, और जिसके बीच हजारों कर्मचारी हो चुके हैं रिटायर्ड बिना प्रमोशन के। तो साथियों, प्रमोशन की एक अच्छी खबर निकल करके आ रही, जहां फरवरी माह में मिल सकती है प्रमोशन की सौगात। बीच का रास्ता निकाला जा रहा है साथियों, क्या है पूरी खबर इसे जानेंगे हम इस वीडियो के अंतर्गत। आप कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए। चलिए इस खबर को अब हम डिटेल में जानते हैं। तो साथियों, प्रमोशन की जहां मांग लंबे समय से चल रही है, 2016 से रिजर्वेशन के कारण से प्रमोशन पर जहां रोक लगी थी, वही फरवरी की इस तारीख तक एक सुखद खबर मिल सकती है जल्दी ही, और इस पर अंतिम निर्णय लिया जा चुका है साथियों। तो इसे जानेंगे हम, वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसा कि खबर निकल करके आ रही, मंत्रालय में प्रदेश के शासकीय सेवकों को उनके सेवा काल में पात्रता अनुसार पदोन्नति के अवसर देने हेतु गठित मंत्री समूह की बैठक हुई है। बैठक में शासकीय सेवकों को पदोन्नति के संबंध में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री ने कहा है कि बैठक में बीसी के माध्यम से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, वन मंत्री विजय साय और शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार सहित अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव जल संसाधन एस एन मिश्रा, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी और प्रमुख सचिव विधि गोपाल श्रीवास्तव, सचिव वित्त अजीत कुमार व अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे। गौरतलब है कि अप्रैल 2016 से हाईकोर्ट द्वारा प्रमोशन में रिजर्वेशन निरस्त कर दिया गया था। उसके बाद शिवराज सरकार इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है और प्रमोशन और रिजर्वेशन बहाल कर रखने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई थी। इसके बाद से लेकर के अब तक सुप्रीम कोर्ट में यह मामला पेंडिंग में है। इस बीच हजारों कर्मचारी बगैर प्रमोशन के रिटायर्ड हो गए हैं। 2018 के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बनने के बाद उपरांत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट की आयु बढ़ा करके 62 वर्ष कर दी है। वहीं लेकिन अब तक भी कोई फैसला नहीं हो पाया है और मार्च में फिर हजारों कर्मचारी रिटायर्ड होने की कगार पर है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रमोशन में रिजर्वेशन का बीच का रास्ता निकाल करके मंत्री समूह की एक बैठक की है, वहीं एक समिति का गठन किया है जिसकी कई बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई अंतिम फैसला नहीं आया है। इसे लेकर के अब अंतिम फैसले पर जहां पहुंचे हैं, तो उसके साथ इस मीटिंग में विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुई है। मंत्री समूह की बैठक की अध्यक्षता करते हुए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि आगामी 2 फरवरी को पुनः मंत्री समूह की बैठक आयोजित होगी, जिसमें अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो साथियों, जहां 2 फरवरी को अंतिम एक बैठक और होना है, इसमें निर्णय लिया जाएगा प्रमोशन से संबंधित, जहां फैसला आ जाएगा और क्या डिसीजन रहता है प्रमोशन से संबंधित, जहां लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं कर्मचारी और मार्च के महीने में बहुत सारे कर्मचारी रिटायर्ड हो रहे हैं, तो इसे देखते हुए प्रमोशन उन्हें दिया जा सकता है, बहुत सारे कर्मचारियों को इसका फायदा मिल सकता है। इसी प्रकार से कर्मचारियों से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथियों, मिलते हैं अगले लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।